जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, यानी ये क्वेश्चन में एक्चुअली हमें एलपीपी सॉल्व करनी है अपनी, पहले हमने बनाई थी एक्सप्लेनेशन में, अब सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं दोनों रेंज को प्लॉट करूँगा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 को। तो प्लॉट करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा, वाई की वैल्यू आएगी 20, वाई की वैल्यू 0 पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू आएगी 20। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा तो वाई आता है 24, पर वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वाई की वैल्यू 24, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट नहीं करूँगा मैं, एक्स की वैल्यू सपोज 10 पुट कर दूँगा तो वाई की वैल्यू आती है 9, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूँगा तो एक्स की वैल्यू आती है 16। ठीक है, 16 तक चलेगा, बट 24 तो बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत प्लॉट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये वाले पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है, और कुछ था नहीं, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 है, तो बस इक्वेशन बनाते हैं, एक्स की वैल्यू लेते हैं 0 से 20 तक, वाई की लेते हैं 0 से 20 तक, तो कुछ ऐसे 2-2 गैप लिया, पहला है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 20, ये फिर उल्टा एक्स की वैल्यू वाई, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 0, ये इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे, फिर है एक्स की वैल्यू 16, वाई की वैल्यू 0, 16, वाई की वैल्यू 0, फिर एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 9, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 9, ये तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के लिए ये मेरा अंदरूनी एरिया है एक्स प्लस वाई ये वाले का, और इसका इनर रीजन है ये वाला, तो दोनों का मैच कर रहा है ये पूरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ना निकाल के लो, क्योंकि कभी कभी ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो कभी कभी पॉइंट ठीक से आता नहीं है। फिर भी 16,0 ये है 0,20, ये है 8,12। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि दोनों को सॉल्व करके एग्जैक्ट निकाल लेना पॉइंट, ठीक है, पंगे ना लेना फालतू के कि मैं तो ग्राफ में ये आया है वही तो यूज़ करूँगा, अब नहीं चेक कर लेना, ठीक है, टाइम होगा तो चेक कर लेना, नहीं तो ग्राफ ले लेना। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स ये आ गए मेरे। अच्छा, चौथा कॉर्नर पॉइंट भी है मेरा, जो कि है 0,0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो 0,0 पुट करूँगा तो 0 ही आएगा, तो इसलिए इसको हम यूजली इग्नोर मार देते हैं, पर बाकी पॉइंट्स पे वैल्यू कुछ ऐसे हैं। बी पे जेड की वैल्यू है 392 जो कि मैक्सिमम है, यानी 8,12 पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।